बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399 43 151। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सिवान के लोगों में भी लगातार ये दिलचस्पी बढ़ने लगी है कि आखिर सिवान से इस बार कौन उम्मीदवार होंगे जो कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। खास करके सभी की निगाहें सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी किस दल से चुनाव लड़ेंगी। कई सारे लोग लगातार ये भी कह रहे थे कि हेना साहब निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में होंगी, लेकिन अब हेना साहब ने खुद इस बात को क्लियर कर दिया है कि वे किस दल से चुनाव लड़ने वाली हैं और अभी किस दल में हैं। आप बता दें कि जब उनसे पूछा गया है कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकती हैं, तो उस पर साफ तौर पर हेना साहब ने कहा है कि मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी या फिर किसी दल के साथ जाऊंगी। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से कहा है कि मैं अभी किसी दल के साथ नहीं हूँ। आप बता दें एक लंबे समय तक सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार राजद में रहा है, लेकिन पिछले एक साल पहले हेना साहब ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर ये कह दिया था कि मैं न्यूट्रल हूँ और अभी मैं किसी भी दल के साथ नहीं हूँ। और ऐसे में उसी सेंटेंस को हेना साहब ने आज एक बार फिर से दोहराने का काम किया है और इस बार भी उन्होंने कहा है कि मैं अभी किसी दल के साथ नहीं हूँ, यानी मैं अभी न्यूट्रल हूँ और अभी तक मैंने ये भी तय नहीं किया है कि लोकसभा चुनाव में मैं किस दल के साथ लड़ूंगी। उन्होंने कहा है कि जब इसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी तो बिल्कुल लोगों को बताया जाएगा और मीडिया को भी बताया जाएगा कि किस दल से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हेना साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी वो किस दल से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तक तय नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, सुनिए हेना साहब क्या कुछ कह रही हैं। आगामी जो है एमपी के चुनाव में आप निर्दलीय लड़ने जा रही हैं, कभी लोजपा का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जब हम लोग डिसीजन ले लेंगे चुनाव लड़ने का तो आपको बता देंगे। अभी हम लोग किसी दल में नहीं है और ना ही कोई निर्णय है, जब निर्णय होगा तो आप लोगों को बता दी जाएगी। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है, हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।